नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। में प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर, मध्य प्रदेश से। इस समय मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल टेस्ट चल रहा है, जहां हमारे बच्चे वहां पर अच्छे अंक हासिल कर रहे हैं। ये अच्छे अंक हासिल करने का क्या राज है, यहाँ किस तरह से तैयारी कराई जाती है, केलम जी से जानते हैं। केलम जी ने अभी 80 प्लस का स्कोर किया है। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो, साथ ही आप अपना परिचय बताइए, साथ ही यहाँ की ट्रेनिंग किस तरह की रही और वहाँ जाने के बाद आप किस तरह का अचीवमेंट प्राप्त किए, क्योंकि एक कंपटीशन का डर हर किसी के अंदर रहता है। 80 प्लस का स्कोर आपके मुताबिक अन्य एकेडमियों के भी बच्चे आए रहेंगे, आपने किस तरह से उनसे फाइट किया है, उनका क्या स्कोर रहा है आपके कंपेरिजन में? जय हिंद दोस्तों। वैसे सबसे पहले तो मैं बोलूंगी सर के आशीर्वाद से मैं 80 प्लस कर पाई हूँ, वरना ये पॉसिबल नहीं था। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही मेरा रिटर्न हुआ था, उसके बाद मुझे एक ही डर लग रहा था कि मैं फिजिकल की तैयारी कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि यार थोड़ा सा बजट का इशू हो जाता है कि कहाँ देना पड़ेगा, किसी एकेडमी में पैसे देने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या है। तो वही सब सोच के मैंने मेरे फ्रेंड को ये बात शेयर किया, तो उसने मुझे सबसे पहले यही बोला कि तू अगर किसी एकेडमी में पैसे भी देगी ना, वहाँ उतना अच्छा नहीं कराएंगे जहाँ हमारे सर कराते ओपी सर। तू एक दो महीने ग्राउंड कर ले, अगर तेरे को लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ तेरे को सही लगे वहाँ कर लेना। मैंने जैसे कि उसने बताया था कि हाँ गोला, जंप और रनिंग बिल्कुल निःशुल्क रूप से कराई जाती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इतना ही नहीं, जैसे कि फाइनेंशियल इशू हर बच्चा जो बाहर से आता है उस सबके पास ही रहती है। तो सर को मैंने बोला कि सर न्यूट्रिशन में अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो सर ने मेरे को पूरी तरह से न्यूट्रिशन फ्री दिया था। और जैसे ही मेरा इवेंट आने वाला था, उसके लगभग 7 दिन पहले मेरी तबीयत खतरनाक तरीके से ख़राब हुई थी, उस टाइम भी वही हुआ, फाइनेंशियल इशू रहा। सर की ओर से सर ने पूरा इलाज उनकी तरफ से फ्री करवाया था मेरा, और मैंने अभी तक कोई चार्जेस ना दिया और सर मना कर चुके हैं कि हम ऐसे बच्चों के चार्जेस नहीं लेंगे। और रही ग्राउंड की बात, तो जैसे हमारे ग्राउंड को लेके बहुत अफवाह चलती हैं कि ऑफिसर के यहाँ जाओगे तो बहुत वर्कआउट कराएंगे, इंजरी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे यहाँ लड़के को 10 राउंड अगर 410 करवा रहे हैं, तो लड़कियों को भी 410 कर रही है। तो क्या आप लोग हमसे गए गुजरे हो? हम जब लड़कियाँ होके 410 लगा पा रहे, तो आप क्यों नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, सर का एक मेडिटेशन का सेशन रहता है। जैसे अपन डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कुछ लोग शेयर कर देते हैं, कुछ लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिजिकल एक्टिविटी के बाद माइंड को कैसे शांत करना, कैसे मेंटेन करना है। और इसका फायदा अपन को यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ अपन इवेंट रहेगा ना, वहाँ इसका अपन को फायदा मिलता है। और सबसे कंपेरिजन में जैसे आप वहाँ पर गए थे, तो आपके साथ कई लड़कियाँ रही होंगी, पूरी एकेडमियों की लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, तो वहाँ पर आपके मुताबिक किस तरह का कंपटीशन रहा अन्य लड़कियों का? अन्य लड़कियों का कंपटीशन हमसे सर जैसे क्या बताएं, सही था सबका, जैसे स्कोर लगभग इतना ही था, लेकिन जितना मेंटली हम प्रिपेयर थे कि नहीं, हमें कोई डर नहीं था, अंदर से हमें कोई डर नहीं सता रहा था। लड़कियां आपस में डर रहे थे, लेकिन हमारे अंदर कोई डर नहीं था। हमें आपकी एक ही चीज याद आती थी कि आप 14 महीने प्रैक्टिस किए हो। अगर किसी भी बच्चे को अगर डर लगता है ना, तो सबसे पहले अपने गुरु के पास आके वो सारी बातें शेयर करे। और कोई भी अगर जा रहा है ना इवेंट से पहले एक बार सर से मिलके जाए, जो एक या दो रात पहले डर आता है ना, वो डर खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप निडर होके जाओगे, और निडर होके अगर वहाँ सब कुछ करोगे ना, तो आप बेस्ट दोगे। क्योंकि मैं जब मेरे इवेंट के 7 दिन पहले बिस्तर पकड़ी हुई थी, वायरल था मुझे, तो मैं जब 80 प्लस कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप आए, तो यहाँ पर जो कोचेज द्वारा तैयारी कराई गई है आपको, तो गैप भी करा गया है कि आपका लगातार प्रैक्टिस कराई गई हो साथ ही? लगातार प्रैक्टिस ना, सर ने कभी दिवाली की छुट्टी दी, ना होली की, इवन राखी, सर के यहाँ 12 महीने प्रैक्टिस होती है। चाहे एक बच्चा भी आएगा ना, सर उसके लिए ग्राउंड जाते हैं। मतलब एक तरह से सर पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित हो चुके हैं। जैसे आप लोगों को सर का इतिहास तो पता ही होगा, सर पहले अकेले चिमनबाग में प्रैक्टिस करते थे, तो कुछ बच्चे खुद से ही मतलब वहाँ पे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो सर वहाँ जाते थे, तो सर ने उन बच्चे को नोटिस किया कि बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो। तो जैसे जैसे सर को पता चला कि ये बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सर ने उन बच्चों को जब से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, तब से लेके अब तक हमारे ग्राउंड पे लगभग 200 लड़कियां हैं,
और 700 या 800 के आसपास लड़के थे, तो उनमें से मैं बोलूंगी कि 50% से प्लस गर्ल्स का 80+ बना है, बस बच्चे किसी कारणवश आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगी तो हमारे राउंड का स्कोर शानदार है, बस रनिंग में ही नहीं हर इवेंट में हमारा शानदार है। जैसे 600-700 बच्चे रहते हैं तो क्या आप पर बराबर ध्यान दिया जाता है इतना भीड़ में? एक्चुअल बताइएगा जिसमें चैनल के माध्यम से। मैं एक चीज पर्सनली बोलना चाहूंगी, मेरे साथ जो लड़कियां रहती थी हम बातें करते थे तो वो बोलते थे थोड़ा सा कम करते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलती थी सर की नजर बात से तेज है, अपन चाहे 1000 के बीच में 400 के सर हर बच्चे को नोटिस कर लेंगे, मैंने चाहे अपने अपोजिट साइड रहेंगे या पीछे की ओर, लेकिन सर बोल देंगे कि आप क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, और एक ही बच्चे पर नहीं सर सारे बच्चों पर नजर रखेंगे। आपका स्कोर रिटेन में कितना है सर? 73 73 और 81 टोटल 154 अंक बन रहे हैं। संभवतः इसमें सिलेक्शन पक्का ही हो जाता है। एक बार आपको ढेर सारी पुनः बधाई हो वर्दी पहनने के लिए, पुलिस परिवार में आने के लिए, या नर सेवा नारायण सेवा के रूप में हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूं और मेरा एथलेटिक्स इवेंट रहा है, और मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन में कई गरीब बच्चों को देखा है, उसी उन्हीं को एक तराशने का प्रयास करता हूं। मैं एक स्वयं भी जॉब में हूं, वर्तमान में पुलिस अग्निशमन सेवा में हूं, जो मैं फीस किसी प्रकार की नहीं ले सकता न लेता हूं। मेरा यह कार्य केवल नर सेवा नारायण सेवा के लिए जीवन पर्यंत तत्पर रहेगा। एक बार पुनः आइए, आपका स्वागत है। फिजिकल टेस्ट जो भी देना चाहते हैं, जो भी उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, देशभक्ति जनसेवा के लिए जज्बा है, जुनून है, ऐसे युवाओं के लिए हमारा एकेडमी आपके लिए कोचिंग करने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।